फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। और फ्रेंड्स, आज मैं कुछ पेंट करने जा रही थी डिब्बों को प्लांटर बनाने के लिए, जो वेस्ट मेरे किचन में थे, तो मैंने सोचा उनके प्लांटर ही बना लिए जाएं। और प्लांटर ऐसे तो अच्छे नहीं लगेंगे विदाउट पेंट किए हुए, तो इसको मैंने दो हिस्सों में इस तरीके से ऐसे ये कट कर लिया। और अब मैं इसको पेंट करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा फ्रेंड्स आप लोगों से शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा। इस तरीके से ये थी रखी हुई कुंडेली, ये मेरी यहाँ ओल्ड पुरानी, तो मैंने सोचा इसको मशरूम इसका बना लिया जाए। मशरूम गार्डन में बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे गार्डन थोड़ा डेकोर हो जाता है। और प्लांट लगाने के साथ साथ थोड़ा गार्डन जो है डेकोर होना चाहिए। अगर डेकोरेशन अच्छी होगी तो थोड़ा कलरफुल लगेगा, और कलरफुल करने के लिए तो हमें पेंट तो करना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो एक बना ली जाए। तो आप लोग भी इसी तरीके से, बहुत हमारे घर में वेस्ट मटेरियल होता है प्लास्टिक का या मिट्टी का, तो हम लोग उससे अपने गार्डन को कलरफुल कर सकते हैं इस तरीके से। ये ऐसे करके ये कुछ मैं मशरूम टाइप का बना रही हूँ, इसको मशरूम का शेप दूंगी। और ये इसके लिए मैंने ये रेड कलर लिया है, रेड ये है बर्जर का मंगाया है मैंने, ये बर्जर, ये आप देख सकते हैं ये बर्जर का मंगवाया है कलर, और उसी से ये पेंट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप लोग भी पेंट करिए और अपने गार्डन को कलरफुल बनाइए। और अभी तो ये वैसे गीले हैं, और ये सूखने के बाद इस पर कुछ मैं डॉट बना दूंगी वाइट कलर से, तो ये देखने में और फ्रेंड्स प्यारे लगेंगे। जब ये पूरे रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको लगाकर। इस तरीके से ये पेंट करके रख दूंगी। और ये मैं हैंगिंग प्लांटर बनाऊंगी, इसमें जैसे बास्केट की जगह पर इसको यूज़ करूंगी, ये बास्केट इसकी बनाऊंगी। कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट का जैसे। तो इसको पेंट करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, और पेंट करने से ये अच्छी लगती हैं बास्केट बनी हुई, इसलिए हमें कोई ख़रीदना भी नहीं पड़ती हैं। अपने घर में कितना तो डिब्बे किचन में वेस्ट निकलते हैं, बिस्किट वगैरह के तेल वगैरह जो आता है, तो उससे ये हम प्लांटर अपने बना सकते हैं। और फ्री में ही अपनी अपना शौक पूरा हो जाए तो उससे बहुत सही रहता है। अगर पैसे देकर कोई चीज़ अगर ख़रीदते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं, तो वो तो पैसे देकर तो अपना शौक पूरा किया जा सकता है फ्रेंड्स। और अगर फ्री में ही यही गार्डनिंग की जाए तो अपने पैसे की बचत करके, तो फ्रेंड्स शौक भी पूरा हो जाता है और अच्छा भी लगता है। डेकोरेशन भी हमारे गार्डन की हो जाती है, गार्डन में भी हम पॉट बनाकर ये रख सकते हैं, और कहीं पर अपने बाहर एरिए में भी इसको हैंग कर सकते हैं, और चाहे रख सकते हैं इसको कहीं पर। तो फ्रेंड्स अभी तो ये गीले बिल्कुल हैं, और फिर ये सूखने के बाद इन पर जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स हमारे ये पेंट हो चुके हैं सारे प्लांटर इस तरीके से, और अब मैं इस पर एक मैं ये डॉट रख चुकी हूँ, और एक ये मैं आपको अब रख के दिखाऊंगी। ये मैंने मशरूम टाइप का बनाया है, मशरूम ही बनाया है जिसे मैं गार्डन में लगाऊंगी, जिससे हमारा गार्डन कलरफुल लगेगा इस तरीके से। फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया, स्पंज इसको लपेट लिया है इस पर, और इस तरीके से रख रही, इस पर ये डॉट मैं रख रही हूँ। तो इस ये कुछ मशरूम का शेप मैं दे दूँगी इसको, तो ये बहुत अच्छा लगेगा जब इसको सजाएंगे।
तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे गार्डन हमारा बहुत अच्छा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके से अपने गार्डन को डेकोरेशन कर सकते हैं अपने गार्डन की। इस तरीके से आप अगर ब्रश से करते तो ये छोटी डॉट रखना होती तो ब्रश से मुझे बनाना पड़ता। जो बड्स आती हैं, रुई लगी होती है, और इस तरीके से ये ऐसे बना लेंगे ये। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ये ऐसे लगा लिया। और इसको जो है, जब कोई क्यारी कहीं पर वो बनाना है, या हमें कहीं पर ग्रीन ग्रास हो, या कहीं पर कोई हमारा पॉट बहुत बड़ा हो, तो उस पर हम ये बना सकते हैं। ये हमारा ये कुंडेली थी पुरानी, और ये पाइप था पीवीसी वाला। तो इस तरीके से ये हमारा मशरूम का शेप आ जाएगा इस तरीके से। और ये दूसरा तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही ये प्लांटर भी मैं डेकोर करूँगी, और फिर मैं इसके बाद की आपको फ्रेंड्स वीडियो दिखाऊंगी। ये मैंने पिंक कलर का मशरूम एक बनाया है, तो इस पर मैंने सोचा ब्लैक डॉट बना दें, तो ब्लैक डॉट इस पर ज़्यादा प्यारी लगेंगी। और क्योंकि ये लाइट कलर है मशरूम का, तो इस पर रेड तो अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए ये ब्लैक। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये मशरूम मेरे बनाने का आइडिया कैसा लगा। और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।